बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ हम एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर है। तो आज आपके लिए हम बनाएंगे तवा अंडा, बहुत ही मज़ेदार तवा अंडा बनाएंगे आपके लिए। तो तवा अंडा बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाया जाता है, तो चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो अभी हम शामिल करेंगे अंडे में मिसाले। तो मिसाला जो है ये आप देख सकते हैं, ये मिर्च है और इसके बाद ये नमक है, हल्दी है और सूखी दानियाँ। तो ये हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम इसको जो है अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम शामिल करेंगे दूध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ताज़ा थोड़ा सा 3 चम्मच जो है हम दूध शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके के साथ हमने मिक्स कर दिया है। तो अभी हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बारीक कटे हुए प्याज। अभी इसको जो है अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी तैयार हो चुका है। तो अभी आपको तवे के ऊपर ये आमलेट बनाकर दिखाते हैं, बहुत ही मज़ेदार जो है आमलेट बनाकर आपको दिखाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमने शामिल किया है अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो चुका है तो अभी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से जो है गाजरें भी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक कटी हुई इस तरह से जो है हमने गाजर इसके ऊपर शामिल कर देनी है। इस तरह से जो है ऊपर से हमने गाजरें रख दी हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आमलेट हमारा तैयार हो चुका है। गाजर वाला आमलेट आपके सामने तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखें, बहुत ही मज़ेदार जो है आमलेट तैयार हुआ है। अभी इसके ऊपर शामिल करेंगे जी ये बारीक कटे सब्ज प्याज बिस्मिल्लाह। और इसके बाद शामिल करेंगे गाजरें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़े से प्याज, फ्रेश प्याज। तो ये अभी हमारा जो है आमलेट तैयार हो चुका है। तो इस तरह से जो है अपने घर पे जो है आमलेट आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का तैयार होता है और बहुत ही नरम बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।